और यूपी में निर्भया योजना के तहत बस स्टॉप पर एलईडी डिस्प्ले लगाई जाएगी। इसके साथ ही यात्री अनाउंसमेंट सिस्टम लगाने को मंजूरी मिली है। योजना के लिए 100 बस स्टेशन का चयन किया गया। लखनऊ से रिपोर्ट देखें। यूपी में बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं। अब बस स्टैंड पर यात्रियों को बस का समय जानने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार उत्तर प्रदेश के बस स्टैंड पर एलईडी डिस्प्ले पैनल लगवाने जा रही है। इसके साथ ही पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए बस स्टेशनों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और जो बस स्टेशन बचे हैं उनकी लिस्ट भी जल्द विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को नई सुविधा मिलने जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो बस से यात्रा करते हैं लोग, उनको जो सुविधा मिलने जा रही है वो ये है कि अब बस स्टैंड पर यात्रियों को समय सारने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार उत्तर प्रदेश के बस स्टैंड पर एलईडी डिस्प्ले पैनल लगवाने जा रही है। इसके साथ ही पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम को भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि एलईडी पैनल जो है उसे लगने के बाद जो आवाम है, जो यात्रा करते हैं बस से, उनको समय सारणी जानने में आसानी हो जाएगी। परियोजना में लखनऊ और गाजियाबाद क्षेत्रों की बसों में एलईडी डिस्प्ले और पैनिक बटन की स्थापना का काम हो चुका है और हम जल्द ही बाकी बचे स्टेशन पर ये काम शुरू कर देगा। जिन बस स्टेशन को इसके लिए चिन्हित किया गया है वहाँ सही जगह के चयन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया है। डिस्प्ले पैनल को ऐसी जगह पर लगाया जाएगा जहां से यात्रियों को अच्छी विजिबिलिटी रहे और पावर सप्लाई के साथ अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी आसानी से मिल सके, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बसों के अंदर में एक पैनल स्विच भी लगाया जाएगा जिसको बटन दबाने के बाद तमाम जो स्थिति होगी उसको भी परिवहन विभाग के आला अधिकारी भी बैठे हुए देख सकते हैं। जल्द ये कार्य प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। देखना ये होगा कि जो बस से यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको कितना बड़ा फायदा इसके तहत होने वाला हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ सैयद अवसली, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।